हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्तिक आर्यन और अनीस बज्मी की अपकमिंग मूवी भूल भुलैया 3। यस फ्रेंड्स, भूल भुलैया 3 को लेके अपडेट आ गई है। अभी टी सीरीज ने अनाउंस किया है कि ये दिवाली 2024 में रिलीज की जाएगी बड़े पर्दे पे। फ्रेंड्स, 2007 में जो भूल भुलैया 1 आई थी उसके बाद भूल भुलैया 2 आने में 15 ईयर्स लगे थे, लेकिन इस बार मेकर्स कोई भी देर करना नहीं चाह रहे। 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म भूल भुलैया 2 का नेक्स्ट पार्ट भूल भुलैया 3 2024 दिवाली पर रिलीज किया जा रहा है। फ्रेंड, भूल भुलैया 2 का आपको बताता चलूं कि 2022 में चंद ही फिल्में थी जिन्हें बॉक्स ऑफिस पर अपना लोहा मनवाया था। भूल भुलैया 2 उनमें से एक है और कार्तिक और अनीस बज्मी एक बार फिर आ रहे हैं बड़े पर्दे पर आप सबको हंसाने और डराने। इस बार हो सकता है कि कार्तिक आर्यन ही शायद डबल रोल प्ले कर रहे हों, जैसे फर्स्ट पार्ट में विद्या बालन ने और सेकंड में ताबू ने प्ले किया था। फ्रेंड, आपको बताता चलूं कि भूल भुलैया 3 की शूटिंग इस साल जुलाई से शुरू कर दी जाएगी। पूरे 4 माह की नॉन स्टॉप इसकी शूटिंग है मुंबई में ही। आपको याद ही होगा कि अनीस बज्मी का पहले नाम हेरा फेरी 3 के साथ जोड़ा जा रहा था और वहाँ से बैक आउट होने के बाद अब वो भूल भुलैया 3 पे काम करेंगे। फ्रेंड, ये सीरीज कार्तिक आर्यन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि भूल भुलैया 2 ने ही उन्हें एक मानों में सही स्टार बनाया था। ऐसे में अगर भूल भुलैया 3 भी भूल भुलैया 2 वाला बॉक्स ऑफिस जादू कर पाई तो कार्तिक का नाम भी मेगा स्टार्स में आ जाएगा। इस अपडेट को लेकर आप कितने एक्साइटमेंट, काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।